नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मेष राशि वालों का अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश चतुर्थ भाव में स्थित है। द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय शुक्र जो है वो तीसरे भाव में स्थित है। तो जब द्वितीय तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि घर कुटुंब वाणी के लोगों के साथ आपका सहयोग बढ़ता है, मतलब घर के कामों में ज़्यादा आप व्यस्त रहते हैं। तीसरे भाव में शुक्र विराजमान है और तीसरे भाव के स्वामी बुध जो है वो पंचम भाव में राहु के साथ विराजमान है। तो तीसरे भाव में जब शुक्र विराजमान होते हैं तो इंसान थोड़ा सा अच्छा कम्युनिकेटर बन जाता है, लोगों के साथ अच्छे तरह से संवाद कर पाता है। इस महीने आप लोगों के साथ अच्छे तरह से बिहेव कर पाएंगे और साथ ही साथ लोगों के साथ इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य विराजमान है और साथ में मंगल भी वहाँ स्थित हैं जो लग्नेश हैं। तो चतुर्थ भाव में जब सूर्य विराजमान होते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश करना या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना ये आपको काफ़ी अच्छा फल देने वाला है। तो ये महीना ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का है। पंचम भाव में राहु और बुध विराजमान है तो यहाँ पर राहु और बुध जब एक साथ विराजमान होते हैं पंचम भाव से इंसान के बुद्धि को काफ़ी प्रखर बनाते हैं, काफ़ी तीखा बनाते हैं। इस समय आपको अपने काम में अपना दिमाग बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लगा पा रहे हैं, साथ ही साथ आपके बच्चों के साइड से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट सुनने को मिल सकता है। छठे भाव में गुरु विराजमान है तो छठे भाव में जब गुरु विराजमान है तो होते हैं तो यहाँ पर थोड़े से आपको अपने उम्र के बड़े लोगों के साथ मन मुटाव या किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो आप बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए या इग्नोर करके चलिए। सप्तम भाव में चंद्र विराजमान है जो कि चतुर्थेश हैं, तो चतुर्थेश जब सप्तम भाव विराजमान होते हैं तो पत्नी के साथ काफ़ी अच्छी बनती है, तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी शांति और सुख सुविधाएँ बनी हुई हैं। अष्टम में शनि विराजमान है तो अष्टम भाव में जब शनि विराजमान होते हैं तो ऐसे अवस्था में इंसान को काफ़ी सावधान बनाते हैं और काफ़ी अलर्ट बनाते हैं। जिस काम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिस काम को करना चाहते हैं उस काम में आप बिल्कुल अलर्ट होकर काम करेंगे इस महीने। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवमेश छठे भाव विराजमान है तो जैसा कि मैंने कहा जब नवमेश छठे भाव विराजमान होता है तो यहाँ पर भाग्य भाव थोड़ा सा धीमा चलता है, या समझ लीजिए कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको सपोर्ट ना मिले, लेकिन आप कर्म करना ना छोड़ें, कर्म को बिल्कुल मन से करते रहें। दशमेश शनि जो है वो अष्टम में विराजमान है तो यहाँ पर आप काफ़ी सावधानी से काम कर रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव साइन है, बट काम इस महीने ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन आउटपुट थोड़ा कम मिल सकता है। एकादश भाव में केतु विराजमान है तो अगर एकादश भाव में केतु विराजमान होते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि इंसान को फटका इनकम या अचानक के धन या पुराने कोई भी ऐसा पुश्तैनी खानदानी जायदाद आपको मिल सकता है। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादशेश गुरु जो है वो छठे भाव में विराजमान है तो खर्चा भी आपको इस महीने काफ़ी कंट्रोल है क्योंकि इनकम में भी काफ़ी आपका एक धीमापन है, बट फटका इनकम होने की वजह से वो धीमापन भी मैनेज हो जाएगा। तो ओवरऑल ये महीना थोड़ा मिला जुला के है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो ये महीना आप थोड़ा संभल के चलिए। तो दोस्तों ये था मेष राशि मेष लग्न वालों का अगस्त का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।